जोधपुर की फेमस प्याज की कचौड़ी। प्याज की कचौड़ी इस प्रकार बनती है कि उसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। आइए यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। इसमें बहुत से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं जो पूरे घर पे ही मिल जाते हैं। चलिए यहाँ शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने इस कप से एक कप में डेढ़ कप मैदा लिया, एक कप इससे लिया है और ये आधा कप इससे लिया है। इस ये डेढ़ कप मैदा है और इसमें आधा कप आटा मिला रहा है। इससे कुसकुसापन खूब बढ़िया आता है। एक चम्मच अजवाइन ली है, इसको क्रश कर ले रहे हैं। एक चम्मच नमक लिया है। आटा मिलाने से ये कचौड़ी बहुत ही खुशखुशी बनती हैं और लूज नहीं होती हैं। अब इसमें 1/4 कप देसी घी का मोयन देते हैं। इसको हल्का मुलायम सा गूंथते हैं, इसका डो कड़ा नहीं होता है। ये देखिए खूब अच्छे से मोयन हो गया है, इसकी मुट्ठी बंधने लगी है। ये देखिए अब मैं इसको पानी डाल के गूंथ ले रही हूँ। ये देखिए हमारा डो कचौड़ी का बनकर तैयार हो गया है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रख दे रही हूँ। अब कचौड़ी की स्टफिंग बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन गैस पे रख लिया है, उसको ऑन कर दिया और उसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। ये देखिए हमारा पैन गर्म हो गया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। एक चम्मच सौंफ डाल रही हूँ। हरी मिर्च, लहसुन। फ्लेम को स्लो कर दिया है। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। इसके बाद इसमें ये आलू डाल देंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून बेसन डाल देंगे और इसको आलू के साथ सेकेंगे स्लो फ्लेम में। ये देखिए हमारा बेसन आलू के साथ बहुत बढ़िया सिक गया है। अब इसको मैं थोड़ी साइड पे कर दूंगी, सब आलू और बेसन को। अब इसमें मैं ऑयल डाल दूंगी 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर लेंगे। अब इसमें प्याज डाल देंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून शक्कर डाल देंगे। जोधपुरी कचौड़ी थोड़ी खट्टी मीठी होती है, इसीलिए
एक टेबल टी स्पून नींबू का रस डाल देंगे और इसको खूब खारा नहीं सेकना है। अब इसको पूरे में एक साथ मिला लेंगे और फिर अच्छे से स्लो फ्लेम करके सेकेंगे। ये देखिए मेरी प्याज खूब अच्छे से हो गई है, मेरा मसाला तैयार है। अब मैं इसमें एक चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल दे रही हूँ, एक चम्मच नमक डाल दे रही हूँ, थोड़ी सी क्रश करके कसूरी मेथी डाल दूंगी, गरम मसाला डाल देंगे और इन सब चीज़ों को खूब अच्छे से मिला लेंगे। सबसे लास्ट में धनिया डाल देंगे थोड़ी सी गार्निश के लिए। अब हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब मैं इसको ठंडी करने के लिए रख दे रही हूँ। जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम जोधपुरी कचौड़ी बनाएंगे। अब मैं इसको गैस ऑफ करके ठंडी होने रख दे रही हूँ। ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। अब मैं इसको इसकी छोटी छोटी गोली बना लूँगी और ये मेरा मसाला भी तैयार हो गया है। अभी मैं इसकी लोई बना ले रही हूँ। ये देखिए मेरी कचौड़ी की लोई बनके तैयार हो गई है और अब ये मेरा मसाला भी ठंडा हो गया है। मैं इसकी भी बॉल बना ले रही हूँ। ये इस तरह से, ये देखिए हमारी स्टफिंग की भी गोली तैयार हो गई है और ये कचौड़ी की भी गोली तैयार है। अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ। अभी शुरू में तेज फ्लेम में है। अब मैं आपको कचौड़ी बनाना बता रही हूँ। ये देखिए एक तरीका तो ये है कि आप हाथ से ऐसे कीजिए, बीच में ये देखिए थोड़ा मोटा रहना चाहिए। ये देखिए अब मैं इसमें रख के इस तरह करूँगी। इसको पूरा गोल कर लूँगी। फिर ये इधर से दबाऊंगी धीरे धीरे। खुलनी नहीं चाहिए। आप चाहें तो हल्का सा बेलन फेर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप ऐसे बेल लीजिए। इतनी बेलने के बाद आप इस तरह से इसको थोड़ी साइड साइड से पतला कीजिए। ये इस तरह बीच में देखिए ये मोटी है और साइड साइड पतली है। ये देखिए
इसको फिर हल्के हल्के हाथ से दबा के हल्का बिल्लन फेर दीजिए। अब इस तरह मैं सभी कचौड़ियों में ये मसाला भर के तैयार कर रही हूँ जब तक ये मेरी ऑयल गरम हो रहा है। ये देखिए मैंने कचौड़ी में मसाला भर लिया है और इनको शुरू में तेज फ्लेम में कुछ सेकंड के लिए सेकते हैं, फिर निकाल के रख लेते हैं। अब मेरी गैस कढ़ाई हो गई है, अब मैं डाल रही हूँ। शुरू में इसको तेज ही सेकते हैं, ये देखिए, और इस तरह इसको निकाल निकाल के रख लेते हैं। इस तरह मैं सभी कचौड़ियों को इस तरह सेक सेक के रख लूँगी। ये देखिए मैंने सभी कचौड़ियों को सेक लिया है, कुछ सेकंड में तेज आंच में सेक के रख ली हैं। अब आप चाहें तो एक हफ्ते तक भी इनको इस तरह रख सकते फ्रीजर में, और जब मन चाहे एक हफ्ते के अंदर कभी भी सेक लेते हैं। अब हमारी कढ़ाई बहुत गर्म है, अभी थोड़ी ठंडी हो जाए तब मैं इनको सेकूँगी। देखिए हमारा तेल ठंडा हो गया, अब मैंने इसको स्लो फ्लेम में फिर से चालू किया है। अब मैं इसको धीरे धीरे ये सिकी हुई कचौड़ियों को डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। ये देखिए साइड साइड से थोड़े थोड़े से बबल्स उठ रहे हैं। इनको तकरीबन 10 मिनट लगता है सेकने में, बिल्कुल स्लो फ्लेम में सेकना है। देखिए हमारी कचौड़ी बनकर तैयार हो गई हैं। अब मैं फ्लेम को बंद कर दे रही हूँ और इनको निकाल ले रही हूँ। अब मैं इसकी ये देखिए हमारी कचौड़ी जोधपुरी बनकर तैयार हो गई है सर्व करने के लिए। आप भी हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिए, और आप चाहें तो कुछ बनाएं, कुछ थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में भी रख सकते, एक हफ्ते चलती है। आप हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय जिनेंद्र।